साजन लोको प्रेजेंट ते स्वर्ग जैसा दसवा नूर सिरहा विराज जिते बड़िया शाना सी नूरी दरबार दिया नित सजदे सी महाराज जिते नित बरम महफला सजदियां सी सुनदा दुख सी गरीब नवाज जिते ओ तन सी ताम दरबार सिंगा रहिंदा सोनिया दा सरताज जिते रहिंदा सोनिया दा सरताज जिते। परम सत्कार योग गुरु रूप खालसा जी, एक बारी सारिया गुरसंगतां प्यार ते सत्कार दा सबूत दिंदे होए फतेह नूं करो प्रवान, आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी दसीए सबर दी जंग तेनू, आशक किसे ने चांदनी चौंक अंदर मर के दसिया जिउण दा ढंग तेनू, मस्ती लत्थी ना तेरी मस्ताने आवे दिता समय ने चड़खड़ी ते टंग तेनू, ज्यों ज्यों सड़े तू भट्ठियां विच पै के त्यों त्यों चढ़े परवानिया रंग तेनू। गुरु जी दे सदकी सिखा ने धर्म दे काम लई अपने खून दा कतरा कतरा बहा दिता अते गुरु जी दे हर हुक्मां दी पालना कीती। सिख धर्म दे बानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी नौवीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जदों अपने सीस दा बलिदान दिता तां दसवीं जोत बाल गोविंद राय जी ने गद्दी दे बैठण दे मगरों ही हिंदुआं दी बेअणख बेगैरत सवे माण तो हीणे हो चुके अनाथां वर्गे जीवन विच इनकलाब लिआउण दा प्रोग्राम बना लिया। गुरु जी ने इस प्रोग्राम दे आगू बन के अपने सूरमियां नूं जंगी करतब जिवें कि घोड़ सवारी नेजाबाजी तीर अते तलवार चलाउण दे विच निपुण कर दिता। गुरु जी ने सैना अते सैना वास्ते घोड़े शास्त्र वास्त्र इकट्ठे करके युद्ध दे अभ्यास करवाउण दे नाल नाल सैना दी चढ़ाई वास्ते सामत 1741 विच एक वड्डा नगारा तैयार करन वास्ते अपने प्रेमी सिख भाई नंद चंद जी दी ड्यूटी ला के भाई नंद चंद जी नूं कहा। नंद चंद नूं सद लिया पातशाह ने समा वेख के मुखों फरमाउण लगे घटा जुल्म दी छा गई जग उत्ते मुगल राज दा थम हिलाउण लगे हद जुल्म दी भन्नणी खालसे ने नथ नक विच वैरी दे पाउण लगे दोलों वालिया दस हवाल अगे किवें जंग दी बणत बनाउण लगे। पातशाह दे हुक्म दे नाल भाई नंद चंद जी ने यह नगारा तैयार करवा के पातशाह दे दरबार दे विच पेश कीता। सतगुरां ने प्यार दे नाल इस दा नां रणा नूं जितण वाला रणजीत नगारा रखिया। जदों रणजीत नगारे दे उत्ते चोटां लगदियां तां नगारे दियां गूंजां दे नाल सारा ही पहाड़ी इलाका अते पहाड़ां दे आले दुआले दे लोकां दे विच कांबा छड़ पैंदा। बाई धार दे पहाड़ी राजां दे दिल धड़कण लग पैंदे। लो सुनो एक दिन अपने बल दे नाल गुरु जी नगारे नूं बजाउंदे होए अपने सिखां नूं संबोधन करके भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल दा हाल जिवें समझाउण लगे उन्हां लाइनां दा वर्णन जत्थे वलों ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੂ ਗੇੜ ਚੋਰਾਸੀ ਚੱਕ ਦੇਉ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾਗਰਣ ਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾਗਰਣ ਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਪੁਲ ਚੜਾ ਗਏ ਨੇ
जेड़ी गल जबन आखी ओह भुल दाने मैथों भगदा दिसदा खून पहारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा बह गए ने तवियां दे अज तक शेक पिया नी दंदा शक्ति ते भगती ही रा खड़कू धर्मी युद्ध च खंडा राबी दिया शलां दा मेरे सीन याद है सारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा थोड़े दिन जांदे ने ऐसा वखरा पंथ चलाऊं बापू दे बचना दे लखा पेटा शीस चढ़ाऊं पर गट हो चंडी ने खारा है वैरी दल सारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा छाती तड़की करांदी कहंदे माता गुजरी कोले होने खैर नहीं रहनी चंदनी छुपन कुंगटी ओले औड़ी अख दुश्मन दी एथे जंग सिड़ूगा पारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा जोड़ा सिंह शेर लिखे कलगी धर दे चोज मियारे हंसी राज ते भोले दोलो लगदे बोल प्यारे मोल नगारे दा सड दो खुशियां बेचे जयकारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा दिल धड़कन राजयां दे बजदा जद रणजीत नगारा अपने सूरमियां नूं कहण लगे केसरी निशान हुण झूलदे ने किले उत्ते बन गया द्वार ए गरीबां दा सहारा है तवियां ते बह गए गुरु चौंकड़े नूं खोद मार कर गए अनोखा काम दुनिया जो न्यारा है धर्म बचाउण लई सीस दा पिता जी ने भुलदा नहीं जालम औरंगा हथियारा है अपना ही झंडा ते खजाना फौज अपनी ही अपना ही तैयार होना कर लिया नगारा है इस तरह रणजीत नगारे दे उत्ते चोटां लगन लगियां अते जंगी करतब होण लगे हर रोज घोड़े नृत्यकारियां करन लगे प्रसादी हाथी अपने चोजां दे नाल सतगुरु नूं अते सतगुर दे सिखां नूं खुश करन लग्या इह नित नवें चोजां नूं वेख के सारे ही पहाड़ी इलाके विच सतगुरां दे विरोध दे विच गल्लां होण लगियां जद मसंदा ने लोकां दीआं इह गल्लां सुणियां तां उहनां ने माता गुजरी जी दे पास जा के आखिया माता जी गुरु जी नूं समझाओ इस तरह नगारे नूं बजा के बाई धार दे पहाड़ी राजयां दे नाल लड़ाई मुल ना लैणा घोड़े रखने फौजां रखणियां नगारे बजाउणे अते सकार खेडणे इह राजयां दे कम हन गद्दीदार महापुरशां नूं इह करतब सोभा नहीं दिंदे तां इहनां मसंदां दीआं गल्लां नूं सुण के माता जी ने गुरु जी नूं कोल बुलाया अते प्यार दे नाल समझाउण लगे बेटा अपने नाल पहला ही बहुत धक्का हो चुकिया है थोड़े पिता जी नूं जालम औरंगजेब ने बेगुनाह शहीद कर दिता है इस लई मेरे आखे लग ये सारे काम बंद कर दे लो सुनो माता गुजरी जी अपने दिल दे जज्बातां नूं दसदे होए गुरु जी नूं इउं कहण लगे अकल हलगी चलगी चाल पड़ी अकल हलगी चलगी चाल पड़ी इस गल नू चेती जो तार बेटा इस गल नू चेती जो तार बेटा लिखी तकदीर दा तीर पैड़ा पैड़ी
लिखी तकदीर दा तीर पैरा सीना चीर के लंग जा पार बेटा सीना चीर के लंग जा पार बेटा ओ बेटा दिल्ली दे चांदनी चौक अंदर है चौक अंदर बेटा दिल्ली दे चांदनी चौक अंदर सच्चे खंड नू गए पधार बेटा सच्चे खंड नू गए पधार बेटा बजदा जदों नगारांगे हार गिरदे बजदा जदों नगारांगे हार गिरदे राजे तक दिन भाई तार बेटा राजे तक दिन भाई तार बेटा ओ हत्ती आप दे वहरे सहेड़दा तू हत्ती आपने वहरे सहेड़दा तू जाल में राज दी पैड़ी सरकार बेटा जाल में राज दी पैड़ी सरकार बेटा चंगी चाहे तू मन ले लाल मेरे चंगी चाहे जे मन ले लाल मेरे खेतन जाई ना किते शिकार बेटा खेतन जाई ना किते शिकार बेटा ओए औरंग जेब के साई नू रहम है ना औरंग जेब के साई नू रहम है ना केरा पाले ना यार गदार बेटा केरा पाले ना यार गदार बेटा जोरा सिंह मसाफर ने काव लिखनी जोरा सिंह मसाफर ने काव लिखनी जत्था दोलो दा करू प्रचार बेटा जत्था दोलो दा करू प्रचार बेटा इस तरह माता जी दे समझाउण ते गुरु जी ने माता जी नूं आख्या माता जी इन्ना बाई धार दे पहाड़ी राजां दे कोलों असी डर के नहीं रहना चाहते क्योंकि असी केड़ा इन्हां दी कोई जागीर जां इन्हां दा देश मल्लिया है जे ये सानू खाम खा तंग करनगे असी चुप करके नहीं सगों इन्हां नूं ऐसा सबक सिखावांगे कि इन्हां दीआं आउण वालीआं पुस्तां भी याद रखणगीआं माता जी जालम अते जुल्म दा नाश करना ही सूरमे दा धर्म है असी इस लई अपने मन दे भै नूं तुसी हमेशा लई खत्म कर दिओ असी तां इस भारत माता दी भूमि नूं इन्हां जालमां दे पंजिआं दे विचों आजाद करना है क्योंकि भारत माता दी भूमि दी आवाज है भारत माता कूक दी कोई जुल्म मिटावो आके रहिबर सूरमा कोई दर्द बंडावो असी इस दे दर्द नूं बंडाउण वास्ते ही संसार ते आए हां अते सच्चे पातशाह ने कहा मैं हूं परम पुरख को दासा देखण आयो जगत तमाशा इस तरह गुरु जी रोब दे विच आके अपने कोमल बुल्लां दे विचों मुस्कुराउंदे होए सच्चे पातशाह ने अपने कर कमलां दे नाल मारी जोड़ दी ताड़ी अगला हाल माता जी नूं जिवें समझाउण लगे आओ सुनो उस वेले दीआं लाइनां दा वर्णन जत्थे वल्लों ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜੋਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਘਬਰਾਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜੋਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਘਬਰਾਏ ਫੁੱਲ ਮੁਖਾਰ ਚੋਂ ਜਦ ਕੀਤਾ ਹਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਗ ਤਮਾਸਾ ਅਮਰੇ ਲੋਕ ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਮਰੇ ਲੋਕ ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਈ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੋਮ ਰੋਮ
कौम विच रम गई कला न जानी ओ चरनी चुकने देवते ना मुड़ू नरासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा हे मैं कुंड ते करे जो ओ पर्ण पे गाऊं पंडित पादे काजिया नू खुंजे लाऊं पंडित पादे काजिया नू खुंजे लाऊं कहदा परख अकाल दा है घट घट वासा कहदा परख अकाल दा है घट घट वासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा पार्वती माता कूक दी कोई जुल्म मिटाओ आवो रे बरसूर मैं कोई दर्द वंडाओ आवो रे बरसूर मैं कोई दर्द वंडाओ तेरा तेरा तोल दू कटना नी मासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा ओ कर दू होड़ा पार मैं देऊ तोड़ जंजीरा कर दू होड़ा पार मैं देऊ तोड़ जंजीरा राजे बाई तार दे कट जान लकीरा राजे बाई तार दे कट जान लकीरा परला खफर काल का हाथ फड़े आकाशा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा देखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा जोर सिंगा भूखिया खूनी तलवारा दोलों लख मरन गे की सार गदारा दोलों लख मरन गे की सार गदारा फट फट कर ढूंढ करे शेर काल गंडासा देखण आया अम्मी मैं जगत तमाशा देखण आया अम्मी मैं जगत तमाशा ओ गुरु जी ने रोब दे विच आके आख्या कर दू होला भार मैं द्यों तोड़ जंजीरा राजे बाई धार दे कट जान लकीरा भरना खपर कालका हथ फड़िया कासा वेखण आया अम्मीए मैं जगत तमासा ता माता जी ने गोविंद राय दे दिल दे जज्बातां नू समझदे होए अपने प्यारे सिखां नू कहा कि अज तो बाद हर रोज ऐसे ही तरह नगारा बजाया जावे माता जी की आग्या दे अनुसार हर रोज रणजीत नगारे उत्ते चोटां लगन लगियां सिखां ने इन्ने जोर दे नाल चोटां लाईयां सारे ही पहाड़ी इलाके विच रणजीत नगारे दियां धुम्मां पै गईयां रणजीत नगारे की आवाज ने गड़गज पा दित्ती जदों भीम चंद ने यह नगारे की पाई गड़गज सुनी ता अपने वजीर परमानंद नूं सद के पुछण लग्या कि यह नगारा कित्थे बज रहा है किते कोई गुआंढी राजा अपने ते चढ़ाई करके तो नहीं आ रहा ता इस दे उत्तर दे विच परमानंद वजीर ने राजे भीम चंद नूं सारी गल दस दित्ती कि यह नगारा तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साहबजादे गुरु गोबिंद राय का माखोवाल की थे दे उत्ते श्री आनंदपुर साहब की धरती से बज रहा है अते जदों गुरु जी शिकार खेडन जाते हैं यह नगारा पहला बजाया जाता है अते मैं अपनिया अखां दे नाल आनंदपुर का सारा हाल वेख के आया हाँ सतगुरां दे दरबार दे विच तंबोल चांदनी चंदन की चौंकी पंचकला शास्त्र प्रसादी हाथी कीमती घोड़े तकरीबन हर एक चीज देखण दे योग है सो सतगुर दे दरबार दियां सिफतां करदा होया परमानंद वजीर अपने बादशाह भीम चंद नूं आनंदपुरी का हाल जिवें दसण लग्या आओ उस वेले दियां लाइनां दा वर्णन जत्थे वलों इउं पेश कीता जा रहा है आया मैं आनंदपुरी तो हो गया हैरान जी दस दासी भीम चंद नूं उमर निदान जी
दसदा सी भीम चंद नू उमर निदान जी देऊगा तोड़ जंजीरा देऊगा तोड़ जंजीरा जालिम नरेश दिया सिफता ना होने बादशाह सतगुर दसमेस दिया सिफता ना होने बादशाह देखा तो बोल चांदनी आउंदा कोई अंत नहीं दीदा अवतार सूरमा एता कोई संत नहीं दीदा अवतार सूरमा एता कोई संत नहीं परिया सुरग लोक चो परिया सुरग लोक चो तलिया ने लेस दिया सिफता ना होन बादशाह सतगुर दसमेस दिया सिफता ना होन बादशाह चंदन दी चौकी देखी रचना अमोघ जी पूतलियां नाच कर दिया देखन दे योग जी रूप है महाकाल दा रूप है महाकाल दा नजरां दरेस दिया सिफता ना होने बादशाह सतगुर दशमेस दिया सिफता ना होने बादशाह हाथी परसादी ऐसे चोजे दिखाउंदा है सतगुर जब तीर मार दे चुक के ले आउंदा है सतगुर जब तीर मार दे चुक के ले आउंदा है कोरी भी करे रीसना कोरी भी करे रीसना कुंचर दी रेस दिया सिफता ना होन बादशाह सतगुर दसमेस दिया सिफता ना होन बादशाह डाक ते चंदन चौकी साफ बनाउंदा कर दे इशनान सतगुरु गागरे उठाउंदा है लक्का ही आउण मंडलिया लक्का ही आउण मंडलिया संतां दे पेस दिया सिफता ना होने बादशाह सतगुर दसमेस दिया सिफता ना होने बादशाह माखो देखे ते बजदा खूनी नगारा जो बापू दे बलिदान दा करदा है त्यारा जो बापू दे बलिदान दा करदा है त्यारा जो जोरा सिंह दोलों लिख दे जोरा सिंह दोलों लिख दे मिसला बंद केस दिया सिफता ना होन बादशाह सतगुर दसमेस दिया सिफता ना होन बादशाह गुरु घर दियां सिफता नूं सुन के जिमें के तंबोल चांदनी चंदन की चौंकी पंच कला शास्त्र प्रसादी हाथी दे चोज दसे तां भीम चंद दा मन गुरु दे दर्शन कर ले उतावला हो गया आते गुरु जी दे दर्शन करन वास्ते भीम चंद ने पहला अपने वजीर नूं भेजिया आते वजीर ने गुरु जी नूं भीम चंद दे आउण दी खबर दित्ती तां सतगुरां ने कहा कि यह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दरबार है जो हर वक्त हर वर्ग के लोगों लिए हमेशा खुला रहिंदा है जदों मन करे जदों मर्जी आ सकते हो तां इधर भीम चंद गुरु जी दे दर्शन करन वास्ते दूसरे ही दिन तैयारी करके श्री आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंच गया उधर सतगुरु जी अपने प्यारे सिखां दे नाल शिकार खेड के आ रहे सन सतगुरां दे अगे अगे नगारा बजदा आ रहा सी अते प्रसादी हाथी उत्ते सतगुरु जी विराजमान होए होए इउं आ रहे सन जिवें अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी लंकेशपति रावण का खात्मा करके अपने वतनां नूं परते सन इस तरह गुरु जी दी शानो सौकत नूं वेख के भीम चंद हैरान हो गया अते सतगुरां ने
भीम चंद का पूरा सत्कार किया। भीम चंद नूं प्रौणाचारी दे सत्कार वजों प्रसादी हाथी बहुमुली चाननी पंचकला शास्त्र आदि चीजा विखाइया, जिन्हां नूं वेख के भीम चंद दा मन अपने पापी मन दे नाल विचारा कर लग्या कि ऐसियां अनमुलियां चीजा साडे राज घराणियां दे पास किसे कोल भी नहीं हन, अते ए चीजा तां मेरे कोल होणियां चाहीदियां हन, क्योंकि मैं बाई धार दे पहाड़ी राजां दा श्रोमणी राजा हाँ। ए पापी अपने बेईमान मन दे नाल गुरु घर दियां सिफतां करदा होया जिवें विचारां करन लग्या, उस वेले दियां लाइनां दा वर्णन जत्थे वलों ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ ਖੜੋਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ ਖੜੋਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਨੂਰੀ ਜਲਵੇ ਮਤ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਟੁਕੜਾ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਰਚਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਟੁਕੜਾ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਰਚਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਆਇਆ ਅਮਰਪੁਰੀ ਚੋਂ ਇੰਦਰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ, ਕੋੜੇ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਨੇ, ਕੋੜੇ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੱਚ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹੇ ਨੂਰੀਆ, ਮੱਚ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹੇ ਨੂਰੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਚਮਕਣ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਮਕਾ ਮਾਰ ਜਾਨਣੀ, ਚਮਕਣ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਮਕਾ ਮਾਰ ਜਾਨਣੀ, ਦੇਖ ਤੰਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰੀ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹੇ ਲੂਰੀਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹੇ ਲੂਰੀਆ, ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਦੀਆਂ, ਮੰਗੀਆਂ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ, ਜੋੜੇ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਰ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੋੜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗਾਉ ਬੋਲੋ ਬਾਲਾ ਚੁੱਕ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਗਾਉ ਬੋਲੋ ਬਾਲਾ ਚੁੱਕ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਚਾਨਣੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
कोले हो गया। ए हंकारी अपने राज भाग दा मान करदा होया कहन लग्या, ए चीजा दा मैं लेके ही रहांगा, भावे मैनू उन्हां दे नाल इन्हां चीजा दी खातर लड़ाई ही क्यों ना लानी पवे। इस पापी दी खोटी नीत नूं वेख के वजीर ने कहा, उस दे नाल धोखा करके देखी किते नरकां दा अधिकारी ना बन जावी, रावण ते दुर्योधन वांगू अपना बांसी ना खपालवी, क्योंकि ओ अकाल शक्ति अंतर जामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की दसवीं जोत है। लो सुनो अपने बादशाह नू नेक सलाह दिंदा होया वजीर परमानंद गुरु घर दियां सिफतां करदा होया इउं कह रहा है, ओ सतगुर पूरा है कर नीला सूरा है, ओ रब्बी ताकत दा एक नवा जूरा है, ओ रब्बी ताकत दा एक नवा जूरा है, उस अंतर जामी दा उस अंतर यामी दा मन किवें चुरावेगा, कर धोखे बाजी नू नरका नू जावेगा, कर धोखे बाजी नू नरका नू जावेगा, पीरी ते पीरी दा हाथ खंडा फड़े तक जगत जलंदे नू लैठा कर चढ़िया है, तक जगत जलंदे नू लैठा कर चढ़िया है, दुर्योधन रावण जो दुर्योधन रावण जो तू बन सुख पावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा। दस वाहगुरु नानक है जीने पंजे लाए ने, ठगी चोर ने कानू है रंग चढ़ाए ने, ठगी चोर ने कानू है रंग चढ़ाए ने, दे अमर निशानियां दस के मैं भुलावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा। एह चंदन दी चौकी तांबोल बनाया पर साथी हाथी दरगाह चो आया है, पर साथी हाथी ता दरगाह चो आया है, सास तर भी पंच कला सास तर भी पंच कला तू किमें चलावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा। ओनू बंदा समझी रब आया दुनिया ते हरे रोकू जुलम दे दुख पै गए मुनिया ते, हरे रोकू जुलम दे दुख पै गए मुनिया ते, हमी मजलूमा दा तू किवें हटावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा, कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा। मैं ता तुर जाऊंगा मेरा कोई जोर नहीं, जोरा सिंह लिखता है छुप दे ठग चोर नहीं, योरा सिंह लिखता है छुप दे ठग चोर नहीं,
मन कहना दुलोंदा मन कहना दुलोंदा राजा सुख पावेगा कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा कर धोखेबाजी नू नरका नू जावेगा पर भीम चंद ने अपने वजीर दी कोई भी गल ना मन्नी सगों अपने वजीर नू राज भाग तो बाहर जाण दा हुक्म दे दिता अते वजीर नू कहा मैं तो तुर जाऊंगा मेरा कोई जोर नहीं जोरा सिंह लिखदा है सुप दे ठग चोर नहीं कहना मन दोलों दा राजा सुख पावेगा कर धोखे बाजी नू नरका नू जावेगा वजीर दियां इन्हां गल्लां दा पापी मन दे उत्ते कोई भी असर ना पिया परंतु ये कहन लग्या कि हुण असी तरले मेहनता नाल नहीं सगों अपने बल दे जोर दे नाल ये चीजा मंगवा के ही रहांगे असी राजपूत खत्री हाँ उन्हां दे सिखां वांगू बाणिए लुभाणे लुहार अते तरखाण नहीं हाँ जो पिछे हट जाइए राजे भीम चंद ने एक चिट्ठी लिख के बाई धार दे पहाड़ी राजियां नूं भेजी जिस विच राजा हरिचंद हटूरिया राजा कृपाल चंद राजा केसरी चंद जसवालिया आदि गवांडी राजियां नूं चिट्ठियां पा के अपने कोल सद्या गया अते दरबार ला के सारे पहाड़ी राजियां नूं आनंदपुरी दा हाल दसदा होया कहन लग्या इह कीमती चीजां असीं उहनां दे कोलों हासिल करनियां चाहुंदे हां प्रसादी हाथी दे कौतकां नूं दसदा होया कहन लग्या तुरदा जद प्रसादी हाथी अणियां गढ़ दा तीर दियां नहीं संधियां मिलियां धुर तों राजियां नाल फकीर दियां बजदा जद रणजीत नगारा पंछी लोहना डारी ने धक्के नाल लियावो खो के इह तोहफे दरबारी ने लो सुनो बाई धार दे कुल पहाड़ी राजियां नूं संबोधन करदा होया भीम चंद कहलूरिया इह कीमती तोहफे खो के लियाउण वास्ते जिवें कह रहा है उन्हां लाइनां दा वर्णन मेरे साथी हंसराज हंस अते भोला सिंह कुप इउं बयान करदे हन भीम चंद दरबार लगा गए जाले में छाती भोर आनंदपुरी नूं उतारो जागे बद्दे वांगू को नंदपुरी नूं टावो जागे बद्दल वांगू कोरे बिना लड़ाई बाज नहीं आउणे करम दे गए हारी ने धक्के नाल लावो खोके ए तो फेदर बारी ने तुरदा जद पर हाथी अणिया गढ़दा तीर दिया नहीं संधियां मिलिया तुर तो राजा नाल फकीर दिया बजदा जदरण जीत नगारा पंछी लौण डारी ने तके नाल अजे जंग दी सार नहीं पिता शहीद कराता दिल्ली कर दे अजे विचार नहीं ओ रूप रब दा माता गुजरी भोगे दुख बेचारी ने तके नाल खोके ए तो फेदर बारी ने
पंडारे एनू रब बताउंदे ने पोले पाले लोकी जेड़े चरनी सीस नमाउंदे ने फुल पहाड़ा दे नाल खेंदा फर्क पाए बिच पारी ने तके नाल के उठ चलो देने आसा जी दी बारे सुख मने पढ़ दे बारो बारी ने तके नाले ले आवो खोके ए तो फेदर बारी ने तेरे के हाका जी ने उठ गए छड दे झगड़े चेड़े तू जोरा सिंह मुसाफिर लगदा लग नहीं सकदा नेड़े तू सतगुर तेग बहादुर दुल्लो बड़े परोपकारी ने तके नाल हंकारी भीम चंद कह लग्या हिंदू लोग अकल दे अन्ने जेड़े भेट चढ़ाउंदे ने हाथी घोड़े तीर कमाना तड़के उठ चलाउंदे ने आशा जी दी बार सुखमणी पढ़दे बारो बारी ने धक्के नाल लियावो खोके ए तोहफे दरबारी ने ता इन्हां पहाड़ी राजां दी रह दे नाल गुरु जी नूं इक चिट्ठी लिखी जिस उत्ते सारे राजां दा हुक्मनामा लिख के भेजा गया लिखिया की लिखिया ए के प्रसादी हाथी तंबोल चांदनी मैनू दिता जावे जो राजे रतन राय वालों भेटा कीतियां वस्तुआं हन मैनू दित्तियां जाण नहीं मेरे राज भाग तो बाहर हो जावो जे इन्हां गल्लां विचों कोई भी गल मंजूर नहीं तां युद्ध लई तैयार हो जावो अते मैं तुहाडे उत्तर दी अड़ीक कर रहा हां भीम चंद दी भेजी हुई चिट्ठी पढ़ के पातशाह बहुत खुश होए अते चिट्ठी दा जवाब मोड़ के चिट्ठी विच दे दिता के असी तेनू कीमती चीजां दा की असी तेनू काणी कौडी देण वास्ते भी तैयार नहीं हां अते ना ही असी इत्थों जाणा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहण लगे गोबिंद राय ने कलम दवात लैके भीम चंद नू लिख बयान दिता जेकर बाड़ ही खेत नू खाण लग जे लोग करन की जो राज नू मान दिता राजे तख्त ते बैठ जो जुल्म कर दे लोका राजयां दा कर फिर कान दिता जेड़ी मान तलवार दा तू कर दे सानू मान है उदी शान उत्ते भाजना बिच मैदान दे पा देंगे दोलों चाले जा तीर कमान उत्ते जे हाथ विच तलवार फड़ना ही छत्री दा धर्म है। पातशाह ने कहा ता देरी ना कर छेती आ असी युद्ध लई बिलकुल तैयार हां। पातशाह भीम चंद दी चिट्ठी दा जवाब सच्चे पातशाह ने चिट्ठी विच दे दिता अते अपने सूरमियां नूं जंगी ट्रेनिंग देण लगे घोड़े नृत्यकारियां करन लगे रणजीत नगारे दी आवाज होर तेज कर दिती जयकारियां दे नाल असमान गूंजण लग्या। आनंदपुरी दे विच गुरु जी दी दिनों दिन चढ़दी कला होण लगी गुरु जी दी इस पवित्र चढ़दी कला दा वर्णन जत्थे वलों इउं पेश कीता जा रहा है। होवे जय जयकार गुरु दे तोज नियारे ने भीम चंद दे पुरजे पिल्ले हो गए सारे ने पण भीष्म दे बाण बोल सीने विच गड़दे ने बजदा नित जकारा बजदा नित नगारा वीर जकारे सकदे ने नृत्यकारियां करदे अरबी कोड़े जवाना दे अरबी कोड़े जवाना दे
खड़क दे नाल तड़क दे बिरश मैदाना दे भाई तारक दारस के मान मिया कट देने बजदा नित नगारा धीर जकारे सट देने माखों दे पे उत्तर चना नवीर चाई है सर्व कला पर पूरे लाई शक्ति आई है बन चकेरी शेर जिमे जीवानू बढ़ देने जिमे जीवानू बढ़ देने बजदा नित नगारा धीर जकारे सट देने पलंता मत्था दग दग करता है कलगी तर दशमेश नहीं राजा तो डरता है कुदरत फुल बरसावे नतन में रंग चढ़ देने बजदा नितन गारा बजदा नितन गारा धीर जकारे सट देने पूजनीक ने थावा जिथे चरण टिका गए ने जिथे चरण टिका गए ने हिंद वैर दी खातर अपना वंश लुटा गए ने भई हर जो मां दे रोकन तान सातियां खड़ देने तान सातियां खड़ देने बजदा नित नगारा वीर जकारे सट देने अगली कैस दे अंदर हो युद्ध पंगाणी दा हो युद्ध पंगाणी दा जोरा सिंह मुसाफर करदा वर्ण कहानी दा हंस राज ते भोला तर जान मिया कट देने तर जान मिया कट देने बजदा नित नगारा बजदा नित नगारा वीर जकारे सट देने इस तरह गुरु जी की दिनों दिन चढ़दी कला होने लगी असी इन्ना कुछ कहते हुए श्री मान स्वामी संत जगजीत सिंह जी लोपों वालों के अति धन्नवादी हाँ जिन्हां दे प्यार दे सदका एक कैसट रणजीत नगारा पेश की इतों ही अगला प्रसंग जिमें भगाणी का युद्ध होया गुरु जी ने इस युद्ध के शानदार जित प्राप्त की अगली कैसट के कहण का यतन करांगे इन्ना कुछ कहते हुए असी सारिया ही गुरसंगतों तो खिमा चाहते हाँ दास टहर सिंह दोलों हंसराज हंस भोला सिंह कुप खिमा दे जाजक ने बुलाओ फतेह आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।